आज हम भारत पे जो इंडिया का नंबर वन ऐसा स्वाइपिंग मशीन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर MDR चार्जेस, जो दुकानदार भाई है जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा MDR चार्जेस होते हैं। जब भी हम किसी क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड पे दुकानदार को जो अमाउंट आती है स्वैप होने के बाद, पेमेंट होने के बाद, वो कुछ कम आती है। तो ये सबसे अच्छा सोल्यूशन है भारत में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके फायदे भी और इसके नुकसान भी। तो हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। हमारी ये मशीन आ गई है, ये मशीन हमने मंगाई है सिरसा हरियाणा में। अभी तक ये मशीन NCR वाले लोकेशन पर ही अवेलेबल थी, बट अब सिरसा हरियाणा में भी अवेलेबल है। मार्केट में इसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है दोस्तों, 0 MDR चार्जेस, कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कहीं से भी पैसा निकालिए, आपकी जो मशीन है उसके चार्जेस आपको लगेंगे 0। जी हाँ, कोई चार्जेस नहीं, आप कितनी भी पैसा निकालिए, सभी चार्जेस फ्री है इस मशीन पे। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। दोबारा बता रहे दोस्तों, भारत पे एक ऐप है जिसके जरिए आप पेमेंट ले सकते हैं। इसका QR कोड मिलता है, ऐप मिलती है और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट मिलता है जिसमें 1%। अभी तक हम इसको यूज कर रहे हैं और ये काफी रिलायबल चीज है और काफी बढ़िया चीज है। तो ये मशीन है दोस्तों, ये हमारी भारत पे की 0 फीस, इस पे लिखा भी हुआ सर, भारत स्वाइप 0 फीस कार्ड मशीन, ट्रांजेक्शन फीस और रेंटल इसका नहीं है। ये मशीन पहले आती थी 6,000 रुपये, अब आ रही है दोस्तों 5,000 रुपये। तो आपको बता दें, अगर ये मशीन लेडी है तो आपको भारत पे की, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हम अपनी आप बना रहे हैं आप लोगों के लिए, अगर आप ये मशीन लेते हैं तो आपको दे रहे होंगे कंपनी को 5,000 रुपये और ये मशीन आपके घर आ जाएगी। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या क्या निकला है दोस्तों। तो ये है हमारे भारत स्वाइप की मशीन जो हमारी आई है, और इसके साथ एक रोल भी मिला हमें और एक मैनुअल मिली है भारत स्वाइप की, और देखते हैं क्या मिला दोस्तों इसमें। शायद ये निकालना पड़ेगा दोस्तों, ये रहा एक इसके साथ चार्जर आया है, जस्ट सैमसंग की केबल का जो चार्जर होता है उस जैसा ही चार्जर है दोस्तों। एक इसके साथ चार्जर भी लगा है। वैल्यू की बात करें तो फोकस पे नहीं आ रही है, तो ये 0.3 ampere का चार्जर है। और जो इस मशीन के लिए वैल्यूबल होगा, 5 voltage 2 ampere का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं दिखा देता हूँ वीडियो में भी थोड़ा जूम करके, ये रहा दोस्तों 5 voltage 2 ampere का चार्जर है। तो ये इसके साथ मिला है दोस्तों हमें, ये मशीन है, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं अब आपके सामने। तो ये मशीन है दोस्तों भारत स्वाइप की, जिसमें कार्ड डिप भी हो सकता है, स्वैप भी हो सकता है। इस मशीन से आप सभी कुछ कर सकते हैं। इसको ऑर्डर करने से पहले इसका टेक्निकली देखेंगे,
तभी दोस्तों इसके बैक साइड पर देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। बैक साइड पर इसको खोल के भी दिखा दें आपको। एक बैटरी लगा हुआ है, एक सिम लगा हुआ है जो कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड किया गया है। भारत स्वाइप का नंबर लिखा हुआ है सपोर्ट का, और ये हमारे को कुछ मिला है इसमें। और ये सिम हमने नहीं डाली गाइस, बैकेट से इसके साथ डली आई है। एक हमारे पास इसकी स्टिक्स मिली है शायद इसके स्क्रीन को कुछ टच करने के लिए। तो अभी चलते हैं दोस्तों, अब इसको ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम। इसका पावर बटन को दबा के रखते हैं 3 सेकेंड। ऊपर देख सकते हैं ग्रीन लाइट आ रही है, एक बीप का साउंड आया है, मशीन ऑन हो गई है। इस पे लोगो आ रहा है भारत स्वाइप के नाम से। आज का डेट और टाइम आएगा। डिवाइस चेकिंग हो रही है, नॉर्मल लिखा रहा है। दोस्तों अब आपके टेक्निकली आपको बता दें, जो हमारे चैनल पे हम टेक्निकली चीज़ बताते हैं, ये मशीन दोस्तों वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकती है और जीपीआरएस से भी। जो सिम कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है इसके साथ वो जीपीआरएस है। आप चाहे तो उससे चलाएं, चाहे तो इसे वाईफाई से चलाएं, जहाँ से चलाना चाहे आप चला सकते हैं। तो अब इसे जीपीआरएस से चला रहे हैं। एक नंबर लेंगे अनलिमिटेड, और ये प्लीज वेट कर रही है, सिम के थ्रू नेटवर्क आ जाएगा और ये वर्किंग शुरू हो जाएगी। ये सिम सर कंपनी की जो सिम है वो किसी कंपनी की नहीं है, वो भारत स्वाइप ने टाइप करके मोबाइल कम्युनिकेशन से 2G का सिम है और उसके साथ इसको इंस्टॉल करके दिया है। ये आ गई जी हमारी मशीन CSC सेंटर के थ्रू आई है, तो इसका नाम है CSC सेंटर सिरसा, और ये रेडी है जी काम करने के लिए। ये मशीन एक्टिवेट है, आप इसके मेन्यू भी दिखा देते हैं। एक नंबर पे सेल है, 2 नंबर पे EMI है। सेल में जाके आप अमाउंट ऐड कीजिए और कार्ड लगा दीजिए, क्रेडिट डेबिट सभी कार्ड है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें इसके डिसएडवांटेज, ये दोस्तों मशीन आई है 5,000 रुपये की, जो 5,000 रुपये है वो रिफंडेबल है, मगर 3 महीने पहले नहीं है दोस्तों। दोबारा बता दें, 3 महीने से पहले रिफंड नहीं हो सकता। आपको मशीन लेने के बाद 3 महीने उस मशीन को चलाना ही पड़ेगा, उसके बाद आप रिफंड रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। सेकंड चीज, जो 5,000 रुपये लिए गए हैं, उस 5,000 रुपये की सिक्योरिटी में से 100 रुपये महीना इसका रेंट डिटेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए आपने 12 महीने मशीन चला ली, तो आपके जो सिक्योरिटी रिफंड होगी तो 12,000 का मतलब 1,200 रुपये 5,000 में से रिफंड दिए जाएंगे और बाकी की रकम आपको दी जाएगी गाइस। तो समझ गए, वो पैसे घटेंगे गाइस इसमें से, पहले बता दूं, कहीं आप किसी प्रॉब्लम में हो, पैसे कटने के बाद आपको पैसे मिलेंगे गाइस, क्लियर? पहले पैसे कटेंगे फिर आपको मिलेंगे। तो 100 रुपये रेंट इसका सिक्योरिटी में से कटता रहेगा, और अभी तक प्रावधान नहीं है। जब 5,000 पूरे हो जाएंगे तो फिर शायद कंपनी कोई सिक्योरिटी या कुछ इसका प्रावधान करेगी आपके साथ। तो इस तरह का शेड्यूल रहेगा अगर आप इस मशीन को, और जब भी आप मशीन को वापसी करेंगे, मशीन अच्छी कंडीशन में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी कटे फटे के होनी चाहिए, अदरवाइज मशीन रिफंड नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं गाइज इसमें क्या कंडीशन है। तो गाइज इसका एक पोर्टल है मोबाइल में भारत स्वाइप के नाम से, तो जो भी आप पैसा इसमें ट्रांजेक्शन करेंगे इस मशीन से, वो पैसा आपके वॉलेट में दिखेगा, और एंड ऑफ द डे रात को 12 बजे
वो भारत स्वाइप नाम के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखा देता हूँ दोस्तों, ये क्या चीज है। जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो सारा का सारा पैसा, जो भी आप पैसा यूज करेंगे वो आपके वॉलेट में जाएगा। दिखाई तो सेफ ऑन द स्पॉट देगा, मगर वो जाएगा कब, रात को 12 बजे भारत स्वाइप अकाउंट में। अब अगर उस पैसे को आप इनके जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है उसमें डाल देते हैं, तो ये है गाइस जैसे मेरा भारत ऐप इस मशीन का। तो ये देख सकते हैं आप ट्रांजेक्शन दिख रही है 1-1 लाख की, और ये मास्टर कार्ड की वगैरह वगैरह। तो ये ट्रांजेक्शन दिख रही है। इसके बाद यहाँ 3 अकाउंट दिखाई दे रहे हैं गाइस। एक मेरा टूडे कलेक्शन है, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट है जिसमें 2 लाख कुछ पड़ा है, एक भारत स्वाइप है जिसमें 2,22,060 रुपये पड़े। अब ये जो भारत स्वाइप अकाउंट है ना दोस्तों, इस अकाउंट में ही गेम है। मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर ले जाके आपको, जो भारत स्वाइप अकाउंट है, ये लोकेशन के लिए कह रहा है, इसको ओके करना पड़ेगा। अभी ये भारत स्वाइप अकाउंट आपके सामने आने वाला है। तो यहाँ वो बैलेंस दिखाई देगा जो इसमें अवेलेबल है, और यहाँ सेटलमेंट दिखाई देगी। 17 तारीख को आपने 22,060 रुपये लिए थे, और 18 तारीख को आपने 2 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन किया है कार्ड के थ्रू। तो ये सारा पैसा गाइज इस भारत स्वाइप अकाउंट में आ गया है, पर ये तो इस अकाउंट में आया है और ये अगले दिन आता है। वाले डेली आपने 5,000-10,000 की एंट्री की, तो भारत स्वाइप अकाउंट में एंड ऑफ द डे पैसा आएगा, टोटल पैसा मान लीजिए 1 लाख पूरा डे का, तो 1 लाख आ जाएगा, वो भारत स्वाइप पे रहेगा। अब ये यही गेम है गाइस। अब इस पैसे को जो है भारत स्वाइप पैसा आपकी स्क्रीन पे हमारी आपको दिख रहा है, ये भारत स्वाइप पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखिए पूरा 2,22,060 रुपये अवेलेबल है, अमाउंट डालिए ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं आपके करंट अकाउंट में, जो फर्म का करंट अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा पैसा। मगर यहाँ एक गेम है गाइस, आप इस पैसे को अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट कार्ड के जो ट्रांजेक्शन हुई है उस पर कुछ चार्जेस है, शायद 40 पैसा प्लस GST, और अगर आप क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन है तो आपको लगेगा 1.50% प्लस GST आपको ये पैसा देना होगा। तो फिर आप ये जीरो रेंटल कैसे हुआ, FDR का जीरो रेंटल तो हो गया, जीरो रेंटल भी नहीं है, 5,000 सिक्योरिटी में से काट रहे हैं ये। अब यहाँ भी ये स्वाइप चार्ज भी भाग रहे हैं गाइस, और अगर आप संडे के दिन कर रहे हो तो बैंक हॉलीडे का चार्जेस भी है। इस तरह करके आपको चार्जेस लग जाएंगे, फिर आप लोग वीडियो डालोगे, कहोगे कि ये तो फेक हो गया, ये तो सही नहीं है। तो गाइस यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन काम कर रही है इनकी, वो कंडीशन आप पूछ के फिर काम कीजिए। आपका जो भी पैसा जिस दिन आया है, मान लीजिए 17 तारीख को 22,000 रुपये आया है, तो ये पैसा आप 15 दिन इसी अकाउंट में रखिए, भारत स्वाइप अकाउंट में। 16वें दिन इस पैसे को आप निकाल सकते हैं, तो ये आएगा पूरे का पूरा, अदरवाइज ये पैसा आएगा कट के। तो सिंपल सी थ्योरी है इसकी, आपको जो भी चार्जेस जो भी ट्रांजेक्शन आपने किए हैं वो आपने होल्ड रखने हैं, ठीक है ना, होल्ड रखने के बाद ही बात बढ़ेगी, अदरवाइज तो वो पैसा नहीं आएगा आपके पास। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, हमने आपको मशीन दिखाई, पोर्टल दिखाया। वीडियो कैसी लगे गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियोज और भी लाते रहेंगे गाइज। तो और इसका वो दिखा दें आपको लास्ट में रोलर, इसमें ये पेज को ऐसे उठाएंगे तो ये रोलर्स निकलने की जगह है गाइस, ये रोल इस पर लगा हुआ है, एक रोल इसके अंदर लगा के दिया है कंपनी ने, और एक रोल हमें एक्स्ट्रा भी दिया है, और मार्केट से भी ये रोल मिल जाते हैं गाइस, 15-20 रुपये का एक रोल आता है, ये ले सकते हो आप। ये मशीन चलने के लिए तैयार है गाइस। तो मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। दुकानदार भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन पैकेज है ये, पर गाइस जिस दुकानदार ने लिया है वो अपने क्रेडिट कार्ड स्वैप करेगा तो मशीन ब्लॉक कर दी जाएगी,
एक ही कार्ड बार बार स्वैप होगा तो भी मशीन ब्लॉक करती जाएगी, तो इसका ध्यान रखें ऐसा ना करें। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।